दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा टॉप 7 ऑल्ट कॉइन जो आप लोगों को इस ईयर के अंदर मिलियनेयर भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इस वीडियो में जो जो कॉइन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ उस कॉइन का जो आपको जो बाई करना है बाई कौन से प्राइस में करना है और जब सेल करना है वो भी कौन से प्राइस में करना है, मैं पूरा चार्ट एनालिसिस करके चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके आप लोगों को मैं बता दूंगा और सिंपल वे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो अगर आप लोग दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एकदम ही नया है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कॉइन स्विच कुबेरपुल की जो ऐप है बहुत ही उसका जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, आप लोग उसको आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए। रेफरल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके आसानी से उसको इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहे तो कॉइन DCX और YGDX में भी अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं कहाँ चला जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, आप लोगों को मैं सबसे पहले मैं कॉइन स्विच में दिखाता हूँ, कॉइन स्विच को मेरे उसका सबसे पहले इंटरफेस आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। उसका इंटरफेस देखिए बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आपको सबसे पहले KYC करना पड़ेगा, KYC बहुत ही फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि मेरा जो कॉइन जो इन्वेस्ट किया था मैं यहाँ पर 1300 का प्रॉफिट किया था। आप अगर लाइव प्रूफ चाहिए तो मैं आपको मैंने दिखा देता हूँ यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि भाई ये जो बना रहे हैं कुछ फ़ायदा कुछ होता नहीं है ऐसे ही बना देता है। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, और सबसे पहले पोर्टफोलियो में चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं जितना सा मैं विड्रॉ कर लिया, अभी देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए मैं INR कितना जमा किया था 2500 3000 और 8500 जमा किया था, ठीक है ना। उसमें मैं यहाँ पर विड्रॉ कर लिया 9800, मतलब कि मेरा 1300 का प्रॉफिट हो गया है। ओके सोचो 25 से लेके मतलब पाँच दिन के बीच में 1300 रुपया प्रॉफिट कर लिया, मतलब सोच ही रहा है आप लोग, मतलब 500 करके पर डे प्रॉफिट हुआ, मतलब क्रिप्टो करेंसी कितना यहाँ पर वोलेटाइल आप लोग सोच ही सकते हैं। लेकिन आप लोग को पहले ही बताया था कि क्रिप्टो मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इसे बहुत ही हाई वोलेटाइल है, आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं जब भी आपको बताता हूँ कि इस प्राइस में बाई कीजिए पहले बाई मत कीजिए, पहले इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से सलाह लीजिए और खुद का दिमाग लगाइए, उसके बाद ही बाई कीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जो बोलता हूँ वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर्पज़ के लिए आइडिया पर्पज़ के लिए। चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ अगर रुपया डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर सिंपली देखिए डिपॉजिट INR में क्लिक करना है आप लोगों को। करने के बाद यहाँ पर आप लोग चाहे तो यहाँ पर स्टार्टिंग 1100 रुपीज़ से यहाँ पर आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। और मेरा जो रेफरल लिंक से आप लोग अगर ज्वाइन होगा तो वहाँ पर आप लोग को फ्री कुछ बिटकॉइन मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ तुरंत जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूँ। और चाहे तो आप लोग मेरे को ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम में भी कर सकता है। तो चलिए आप लोग मैं सबसे पहले मार्केट में लेके चलता हूँ, मार्केट में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को जो जो कॉइन अभी बताने वाला हूँ वो कॉइन भैन से देखिए उसी टाइप कॉइन आप लोग को इस मार्च के अंदर मतलब आज चाहे तो आप लोग आज ही बाई कर सकते हैं क्योंकि अभी ये मार्केट बहुत ही डाउन में जा रहा है। सबसे पहले मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है माना यानी डिसेंट्रलाइज्ड जो मेटावर्स में नंबर 1 प्रोजेक्ट है ये, ठीक है ना। इसके बाद ये नंबर 1 में है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है डिसेंट्रलाइज्ड। अभी देखिए इसका चार्ट पैटर्न एनालिसिस आपको मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं ये जो है कॉइन DCX में ले जाकर आप लोग को दिखाऊंगा। ये जो माना है माना चल रहा है अभी 189.35, ठीक है। तो अभी चलता है कॉइन DCX में, अभी मैं इसको वन डे में लेके चलता हूँ। तो वन डे में देखिए वन डे में ये हाई बनाया था 200 और वन डे में लो गया था 189, जो अभी चल रहा है 189, ठीक है। तो 200 हाई गया, तो देखिए एक दिन में ये पूरा चल गया कितना, एक दिन में ये चल गया पूरा 11 मतलब 12-13 मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप लोग 189 में बाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब एक दिन के अंदर ही आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि 189 में आप लोग बाई किया, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि 100 बाई कर लिया, 189 में 100 बाई कर लिया, तो 189 में अगर आप 100 बाई करते हैं तो कितना होगा आपका 189 में अगर 100 बाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पड़ जाएगा 18,900, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आपका 100 अगर आपका 10 भी बढ़ता है ना भाई तो क्या होगा पता है ना आपको, 10 अगर बढ़ जाता है यहाँ पर मतलब 10 अमाउंट का प्रॉफिट बढ़ जाता है आपका, तो यहाँ पर एक दिन में आप 1000 रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं भाई। इसका मतलब ये है कि आप लोग 19,000 लगा के एक दिन में भाई 1000 रुपया प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी आपका पोर्टफोलियो में 19,000 इन्वेस्ट वैल्यू दिखाएगा और करंट वैल्यू दिखाएगा 20,000, यानी 1,000 का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में आया मेरा बात, मतलब यहाँ पर 10 रुपीज़ का सिर्फ एक दिन में अगर बढ़ेगा तो, और उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते भाई, मैं तो यहाँ पर मिनिमम बता दिया, ठीक है।
तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वन डे में तो आपको दिखा दिया, अभी देखिए सेवन डे में, देखिए सेवन डे में क्या बोल रहा है। यहाँ पर सेवन डे में लो गया था 184 और हाई गया था 215, यानी यहाँ पर जो है ये अगर मैं हम लोग अगर साइड में देखें तो साइड का देखिए सर्किल यहाँ पर है 189 में, इसका जो है 189 में इसका सपोर्ट मिल रहा है। और इसका रेसिस्टेंट लेवल कहाँ पर है वो सेवन डे का बात करें तो इसका रेसिस्टेंट लेवल है आपका, दिखाए आपको तो ये आपका रेसिस्टेंट लेवल बन रहा है 205, यानी 205 में इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अभी गया है, देखिए सेवन डे में चला गया था कहाँ पर 215 में चला गया था, ठीक है तो 215 में चला गया था। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली क्या है कि सेवन डे के अंदर मतलब ये कितना तक जा सकता है। अगर सेवन डे में अगर मान लो कि आप चाहिए, आपका चाहिए कि भाई मेरे को सेवन डे के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कितना अमाउंट में बाई करना चाहिए। अभी जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस में आपको तुरंत ही बाई कर लेना चाहिए। अगर 189 से लेकर 193 के बीच में आपको बाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बाई करके आपको या कर थोड़ा बहुत होल्ड करके रखना चाहिए और आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट आपको जो बनेगा वो बनेगा 208। नोट करके थोड़ा लिख लीजिए 208, जैसे आएगा वो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं कि 208 ब्रेकआउट कर जा रहा है तो आपका सेकेंड टारगेट रहेगा भाई 214 और 215 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। ओके अभी वन मंथ का अगर बात करें, अगर आप लोग चाहे कि वन मंथ तक होल्ड करें तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा, उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आपको फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 240। नोट कर लीजिए फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वन मंथ के लिए मैं बोल रहा हूँ 240 फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 260। ओके सेकेंड टारगेट 260 रहेगा, नोट कर लीजिए ध्यान से। और अगर आप लोग चाहे कि क्वार्टरली थ्री मंथ के लिए होल्ड करें तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई 300 तक आपको रुकना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप लोग चाह रहे कि नहीं भाई मैं तीन महीने का रिटर्न चाहूँ तो अभी इस प्राइस में बाय कर लीजिए और तीन महीने को होल्ड कीजिए, देखिए आपका डेफिनेटली 300 रुपया क्रॉस कर जाएगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट थ्री महीने में फर्स्ट टारगेट रहेगा 300 और सेकेंड टारगेट रहेगा 325। तो चलिए आपको बता दिया माना का बता दिया मैंने, मैं आपको बोला था कि टॉप सेवन कॉइन बताऊंगा तो माना नंबर वन में बता दिया। इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नंबर टू में जो होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉइन है, वो मेटाफर्स प्रोजेक्ट में नंबर टू में आता है जिसका नाम है द सैंड बॉक्स। बहुत सारे को ये नाम के बारे में पता है, ये मेटाफर्स में नंबर टू प्रोजेक्ट में, और मेटाफर्स नंबर वन प्रोजेक्ट में आपको बता दिया कौन सा है, ये आता है नंबर टू, ठीक है। और सबसे पहले थोड़ा बहुत आप लोग जान भी लीजिए इसका बारे में, थोड़ा जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, आप लोग चाहे तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं। ये जो माना वाला है, माना वाला किस चीज़ के काम करते हैं, पूरा के पूरा मेटावर्स के ऊपर काम करता है ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आपका ये जो कॉइन स्विच है, कॉइन स्विच में आपको दिखा देगा कि एक्चुअल माना किस प्रोजेक्ट में काम करता है, सब कुछ आपको दिखा देगा। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर दिखा भी देगा आपको कितना परसेंट बाइंग चल रहा है अभी, 75% बाइंग ज़्यादा चल रहा है। माना कि आपको यह बात दिखा देगा कि एक्चुअली ये जो है इथेरियम में काम करता है, इथेरियम का ब्लॉकचेन में ये काम करता है बेसिकली। और ये एक नेटिव कॉइन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, यूजर्स बिल्ड दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड कॉल्ड लैंड, मतलब ये वर्चुअल एसेट के लिए बेसिकली काम करता है माना। इसके बाद जो है आपको मैं बताया था सैंड बॉक्स, देखिए सैंड जिसका शॉर्ट में बोला जाता है सैंड, अभी 5% डाउन में चल रहा है, ये सेकेंड कॉइन है। ये सब जो है भाई सब नोट कर लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो आज ही इसमें लगा दीजिए भैया, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी डाउन में चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये वन डे में जो गया था 221 गया था, वन डे में हाई गया था 238 गया था। ओके अगर वन वीक का बात करें तो वन वीक में 217-259 गया था। तो अभी करंट प्राइस चल रहा है देखिए 223, यानी अभी लो में से थोड़ा अप में गया, तो अभी 238 में चला गया था। चाहे तो अगर इन्वेस्ट करें तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अभी चलिए इसका प्राइस एनालिसिस करके यहाँ पर दिखाते हैं सैंड में जाके। तो भाई सैंड में देखो यहाँ पर जो मैं पहले वन डे का दिखाता हूँ आप लोगों को, वन डे में ये लो गया था 221 का, ये लो गया था और हाई बना था 235, ठीक है। अगर सेवन डे का बात करूँ तो सेवन डे में देखिए, सेवन डे में इसका जो साइड वेव गया था, ये साइड वेव था 230 था, ठीक है। और इसका एकदम डाउन गया था 216 और हाई गया था 257, यानी अभी 222 चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैं एकदम ही 200% श्योर देता हूँ भाई, अगर इस प्राइस में अगर आप लोग बाई करेगा इसको तो 8 रुपये का पार, मान लीजिए कि आप 222 में कर रहे हैं, जितना करेगा
पार सेंट के हिसाब से आपको 8 से 10 रुपये का तो भाई मिनिमम प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो आप लोग सोच लीजिए, ये पूरा आपको मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ भाई, पूरा चार्ट एनालिसिस करके, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और अगर आप लोग इन्वेस्ट करें तो पहले खुद का दिमाग लगाने के बाद इन्वेस्ट कीजिए, ओके। हाई गया था 257, और यहाँ पर अगर मैं 1 मंथ का देखूँ तो 1 मंथ में ये बना है, 1 मंथ में 207 में ये चला गया था लो में, और आज हाई में चला गया था 280। और इसका अगर मैं साइड ऑफ का बात करूँ तो ये देखिए, ये जो है ये एकदम नॉन ट्रेडिंग जोन है, ओके, ये ब्लैंक वाला है, और ये आपको बाई करना पड़ेगा। मतलब आपका ये जो 1 मंथ का अगर आपका टारगेट दिखा जाए तो 1 मंथ में आपका टारगेट रहेगा 300 भाई। अगर आप 1 मंथ इस कॉइन को बाई करके होल्ड करना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूँगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा जो वो है 300, सेकेंड टारगेट रहेगा जो वो है आपका 325, नोट कर लीजिए। और 3 महीने का दिखा जाए तो 3 महीने में आपका रहेगा यहाँ पर 400 आपका 3 महीने का टारगेट रहेगा यहाँ पर। मैं ठीक का जो 1D का चार्ट दिख रहा हूँ यहाँ पर, 121.128 हाई बनाया था ऑल टाइम, और लो बनाया था 112, ठीक है, मतलब लो से थोड़ा बहुत अभी हाई में है। और एक दिन में अगर इसका देखूँ तो एक दिन में अच्छा खासा फायदा भी दिया है, मतलब एक दिन के अंदर जो 112 में बाई किया था और 121 में 121 से 118 भी में, मतलब 6-7 रुपया का प्रॉफिट रख जो बेचा, ज़्यादा से बाई किया, उसका बहुत ही फ़ायदा मिला है आज का दिन में। और 7 डे का अगर बात करूँ तो 7 डे में देखिए, यहाँ पर 7 डे में दिखा रहा है कि 110 जो लो बनाया है वहाँ पर, जो हाई बना है 127। और इसका अगर साइड वेव देखूँ तो अगर ये 7 डे का अगर आप लोगों को मैं टारगेट बोलूँ तो भाई ये 7 डे में मिनिमम टारगेट रहेगा भाई 120 तो रहेगा ही भाई। मतलब आपको बताना था, अगर आप लोग ये प्राइस में मतलब 114 से लेकर 115 में बाई करते हैं तो आप लोग को 6-7 रुपये तो पार मैटिक में आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला है भाई। मतलब इसमें आप लोग जितना सा ज़्यादा रुपया लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं पहले जब प्रॉफिट किया था 1300 रुपये, तो उसमें मेरा 5-6 मैं टोटल 6 कॉइन बाई किया था, ठीक है ना। उसमें डिसेंट्रलाइज यानी ये था आपका माना था, और पॉलीगन यानी मैटिक था, मैं तो मैटिक में ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट किया, मैटिक में मैं 2000 रुपया इन्वेस्ट किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि मैटिक में ज़्यादा से इन्वेस्ट कीजिए और डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपका जो मैं बाइंग जोन बोल रहा हूँ वो है कि ये जो अभी 114 चल रहा है, हो सकता है कि ये नीचे भी मूव करे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये जो 114 है ये जैसे ही ब्रेकआउट करके नीचे आएगा तो आपको 1110 तक आपको वेट करना है, 1110 में आपको बाई करना है, ठीक है, बाई करके होल्ड करके रखना है। और 7 डे के बीच में जैसा ये आ जाएगा 130, यानी 130 ये क्रॉस नहीं भी कर सकता है, हो सकता है लाख अगर अच्छा है तो 130 क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 122, नोट कर लीजिए थोड़ा, 122 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा विद इन 7 डेज, ओके। और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 125, ठीक है। और आज जो बहुत सारा बोलता है कि वजरेक्स में जो स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोलता है, आपको मैं बोलूँगा कि विदाउट स्टॉप लॉस में यहाँ पर गेम खेलिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर पेशेंस जाएगा तो आपको टेंशन वगैरह कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, आपको पता है। आप लोग मान लीजिए कि अभी रुपया लगा रहा है, देख रहा है उसके बाद निगेटिव आ रहा है, आप लोग परेशान हो के आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे कैसे बता रहा है, ये कुछ आते जाते नहीं, मतलब कुछ फायदा नहीं है आपका, जल्द से जल्द लॉस हो जाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर लॉस बोल के कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पर जो आपको लॉस में चलता है सिर्फ आपको आपको पेशेंस करके रखना है, माइंड को होल्ड करके रखना है। जो भी लॉस में चल रहा है आपको दिख रहा है, आज लॉस में दिख रहा है, कल को नहीं, कल आप जैसे बेड से उठेंगे उसके उठने के बाद तब देखेंगे वो प्रॉफिट में चला गया। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, आपको मैं पहले ही बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, मतलब बार बार ये आपको दिमाग में घुसाने की कोशिश करूँ कि भाई लॉस का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा पूरा ही डूब गया और आएगा नहीं, मतलब यहाँ पर आपको जीरो होने का चांस कम है। हाँ, जीरो होने का चांस है, लेकिन वही सब पॉइंट में है जो जो जिसको बोला जाता है मिमी टोकन, यानी छोटा छोटा एकदम टोकन होता है जो नया नया लॉन्च करता है, वो सब कॉइन में रिस्क होता है कि जीरो जाने का। लेकिन आप लोगों को मैं जो जो कॉइन बोलता है वो भाई काफ़ी डिमांडेड है और काफ़ी अच्छा कॉइन है, इसीलिए आप लोग को मैं वो सब कॉइन रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का पैसा डूब जाए, ठीक है ना। कि इसीलिए मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि हर दिन वीडियो कोई भी एक वीडियो लेके आ जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसा है क्रिप्टो रिलेटेड बात करता है लेकिन कोई भी चीज़ लेके वीडियो बना देता है, तो उस टाइप का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं आपको जो जो कॉइन रिकमेंड करता हूँ भाई डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि मेरे को 4-5 बंदा ने बोला कि भाई अच्छा खासा उन लोगों को प्रॉफिट मिल गया, आप लोग भी चाहे तो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको मैं ये बता दिया, तो अभी मैटिक में आपको बोल दिया फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट, मैटिक भी हो गया। तो ये देखिए, ये है एटम यानी कॉस्मोस, तो इसका देखिए अभी 22.7.40 में चल रहा है। अगर 1 डे का देखूँ तो ऑल टाइम हाई बनाया था ये 2450, तो यहाँ पर देखिए
0.93% ये रिटर्न दिया था, पॉजिटिव रिटर्न दिया था, ये ऑल टाइम हाई बना था 2720। तो अभी इसका अगर मैं फर्स्ट टारगेट, अगर 7 डे में आप लोग चाहे कि 7 डे में रिटर्न पाने के लिए, तो आपको मैं बोलूँगा आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा इसी प्राइस में अगर बाई करेंगे आप लोग, टीपल 2740 और टीपल 2540 इस प्राइस के अंदर आप लोग बाई करेंगे, मतलब अभी बाई करेंगे, तो इसका यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2425। थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए 2425, ओके। और सेकंड टारगेट आपका जो रहेगा 7 डेज का सेकंड टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 2490, नोट कर लीजिए थोड़ा 2490। तो चलिए अभी चलते हैं 1 मंथ के हिसाब से देखते हैं। 1 मंथ में अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 1 मंथ में अगर देखिए अभी जो 2777 ये अभी सपोर्ट लेवल चल रहा है, ये इसको जैसे ब्रेकआउट करके नीचे आए तो ये नीचे आने के टाइम ये हो सकता है कि ये 1009-2000 भी क्रॉस कर सकते हैं, 2000 क्रॉस करके डाउन पे भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी बाय नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा बहुत देखना चाहिए इसको 2247-40 ये ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अभी 2-3 घंटा वेट करके देखिए, अगर देख रहा है कि इससे ऊपर बाई बढ़ जा रहा है तो आपको उसी प्राइस में बाई कर लेना है। करके आपको मैं बताया फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, अभी 1 मंथ में अगर फर्स्ट टारगेट देखा जाए तो 1 मंथ में जो आपको फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा भाई 2430, ओके फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट बनेगा आपका 2590, नोट कर लीजिए थोड़ा। थ्री मंथ पे आपका ये जो रहेगा ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, 3 मंथ में अगर रिटर्न आपको चाहिए तो 3 मंथ में आपको फर्स्ट टारगेट बनेगा 2810। तो 1 डे का बात करें तो भाई देखो 1 डे में 63 गया था लो और आप गया था 67, अभी इसका करंट प्राइस 64 में चला, तुरंत इसको बाई कर सकते हैं। 64 से लेकर 65 के बीच में आप लोग बाई कर सकता है, क्योंकि एक दिन के अंदर आपको 4 से 5 रुपये का पर ADM में प्रॉफिट मिलने वाला है, दिमाग में घुसा लीजिए। तो आप बाई के लिए कर बाई का आपका जो रेंज रहेगा वो रहेगा 63 से लेकर 65 के बीच में, और आपका सेल का जो रहेगा अगर आप लोग एक दिन के अंदर बिकना चाहता है तो ये अगर 5-6 रुपये का प्रॉफिट लेके आप बिक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अच्छा 7 डे का अगर बात किया जाए तो 7 डे में ऑल टाइम हाई बनाता 73। देखिए 7 डे में जो आपका सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल बना है 7 डेज के अंदर, ये बनाता 64.17। अभी ये जो है ये भाई अभी सपोर्ट लेवल है, जिसको जैसे ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कि 62 पे आ जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको वेट करके देखना है 1.5 घंटा, वो अगर देखिए कि ब्रेकआउट करके थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो और भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद देखिएगा 62 में आ रहा है कि नहीं। तो 62 में अगर आ गया तो इसको बाई कर लेना है, नहीं तो अगर आप लोग चाहे कि नहीं आपको अभी बाई करना है तो आपको मैं बताऊंगा कि 64 से 65 के बीच में, 63 से 64 के बीच में आप बाई कर लीजिए, ठीक है। 63 से लेकर 65 के बीच में जो जो आपको बोला थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर अगर 1 मंथ का बात करें तो 1 मंथ पे देखिए 1 मंथ में ये ऑल टाइम हाई बनाता 99 रुपीज और लो बनाता ये 78, ओके 78 ये लो बनाता। सो अगर यहाँ पर आप लोग चाहे कि 1 मंथ में आपको रिटर्न चाहिए तो आपको मैं बोलूँगा कि भाई इसको आपका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा भाई 85, यानी 85 रुपीज़ आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा जिसमें आपको सेल करना चाहे। अगर देखिएगा 85 रुपीज़ भी क्रॉस कर जा रहा है तो भाई आपका सेकेंड टारगेट रहेगा जो रहेगा वो रहेगा 97 रुपीज़। थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए। 3 मंथ का अगर देखा जाए तो 3 मंथ में यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा भाई बाइंग प्राइस को पहले बताया था 63 से लेकर 65 के बीच में बाई करना, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है आपको। अभी अगर देखिए उस क्रॉस कर जाए तो होल्ड करके रखना, अभी उस टाइम बाई नहीं करना है आपको, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट को पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा अगर 3 मंथ का देखा जाए तो भाई फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 120, थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। फर्स्ट टारगेट 121 और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 130। उसका नाम है क्रोमिया, आइडिया तो आपको बताया दिया था, उसके बाद है क्रोमिया। ये क्रोमिया वाला देखिए ये 1 डे का जो हाई बनाया था ये 31 बनाया था, लो 28 था। 1 वीक का देखा जाए तो 1 वीक में ये हाई बनाया था 34, 1 मंथ में 50, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पर ही बता दे, 2-3 जो है यहाँ पर एनालिस्ट को बता देता हूँ। और 1 मंथ में ये थोड़ा बहुत माइनस भी किया था। तो अभी ये जो है ये आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो इसको आप चाहे तो ये 29 से 30 के बीच में बाई कर सकता है, और इसमें आपको 1 वीक का सिर्फ आपको होल्ड करके रखना है, आपको 3-4 रुपये का पर CAGR में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाइंग जोन आपका रहेगा 28 से लेकर 30 के बीच में बाइंग जोन रहेगा, और आपका सेल फर्स्ट सेल टारगेट रहेगा जो वो है आपको मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट सेल टारगेट रहेगा 38 और सेकेंड सेल टारगेट रहेगा आपका 44, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। CAGR भी हो गया, फैंटम ये वो काफ़ी अच्छा है, फैंटम वाला जो है ये देखिए 1 डे में ये हाई बनाया था कितना 90, हाई बनाया था 113 और लो बनाया था 99,
ठीक है। अभी इस प्राइस में आपको 103 से लेके 101 से लेके 103 के बीच में आपको यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। और वन वीक में ये हाई बना था 153, वन लो हाई, वन मंथ में हाई बना था 177। और अगर देखा जाए वन ईयर में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, 100% के से भी ज़्यादा रिटर्न दिया, आप लोग यहाँ पर देख ही सकता है भाई, ठीक है, काफ़ी अच्छा। तो बाइंग जोन यहाँ पर जो रहेगा आपका वो रहेगा 101 से लेकर 103 के बीच में। और आपको फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 134, सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 150, नोट कर लीजिए। वन मंथ का अगर दिखा जाए तो वन मंथ में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा भाई 132, और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 157। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलता है आप लोगों के साथ कोई एक वीडियो भी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।